हेलो गाइस, मैं नीलेश प्रसाद और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज का जो वीडियो है आप देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, यानी जो आज पेपर हुआ है 9 तारीख को मार्च में OCM का, तो उसका हम लोग यहाँ पे पूरा जो क्वेश्चन पेपर है साथ में उसका आंसर, ये दोनों लेके आए हैं हम लोग। तो आज मैं यहाँ पे कॉमर्स के लिए, जो मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मेरा कॉमर्स वालों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके लिए भी हम कंटेंट लाएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है, जो पेपर है क्वेश्चन पेपर आज, उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और अपने क्वेश्चन पेपर के साथ मैच करते चलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज है और ये आज का पेपर है 9/3/2022, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, यानी आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद वापस रीराइट करना है इस सेंटेंस को। तो इसके आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन 1A का पूरा आंसर यहाँ पे आपको दिया है। तो पहले का आंसर है 1 सुपीरियर, ठीक है। सेकेंड का है कंट्रोलिंग, थर्ड का है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फोर्थ का है गवर्नमेंट, फिफ्थ का है शॉपिंग कार्ट, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, यहाँ पे हमने पूरा आंसर आपको बताया। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेकेंड पेज पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन है पहला मैच द पेयर, ठीक है। उसके बाद है करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, थर्ड डी है अरेंजमेंट इन द प्रॉपर ऑर्डर, एंड देन क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म कॉन्सेप्ट Any4। तो यहाँ पे Any4, Any6 ये वाला कोई ये नहीं है, हमने पूरा यहाँ पे आपको 6 के 6 के जितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं उस सब के आंसर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और मैच द पेयर का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है बी का। तो ए का जो आंसर है वो है रूरल टूरिज्म, बी बिजनेस सर्विस का जो आंसर है वो है इनटैगिबल इन नेचर, देन द सी का है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का F.W. टेलर, डी का है सेल ऑफ गुड एक्ट इज 90/30, एंड द डिजिटल मार्केटिंग इज नथिंग बट द यूज ऑफ डिजिटल मीडिया। तो ये आपको आंसर यहाँ पे मिल गया। देन जो सी है, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जितने भी अंडरलाइन वर्ड है उनको करेक्ट करके डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर दे दिया गया है, ठीक है। तो पहले का आपको क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन था, उसको आपको सेंट्रलाइजेशन करना था। सेकंड का है यहाँ पे आपको सेविंग, तो वहाँ पे आपका करेंट अकाउंट ये आएगा। देन थर्ड था सेलर, तो वहाँ पे आपका बायर आएगा। फोर्थ का है जो अंडरलाइन वर्ड था वो है लेस, तो यहाँ पे आपको लेस का क्या करना था, मोर करना था। और फिफ्थ का है यहाँ पे आपको जो मैक्सिमाइज था वो आपका क्या आंसर आएगा, मिनिमाइज, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जो डी है ऑप्शन अरेंज द इन प्रॉपर ऑर्डर, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, आप जो वर्डिंग है वहाँ पे, जैसे हम लोग पहला अगर लेते हैं कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ठीक है। तो हमने क्या किया है, कंट्रोलिंग को A नंबर 1 कंसिडर करिए वर्ड, ऑर्गेनाइजेशन को नंबर 2 और प्लानिंग को नंबर 3। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने क्या किया है, आपको आंसर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर उसको अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद कंट्रोलिंग, ठीक है। सेकेंड का है, पहला तो आएगा आपका टेकिंग द पॉलिसी, ठीक है। सेकेंड है एक्सीडेंट एंड देन क्लेम। थर्ड का है यहाँ पे आपको, पहला आएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है, प्लेसिंग इन ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी। फोर्थ का यहाँ पे आपको आंसर है, पहला डिस्ट्रिक्ट जज, फिर हाई कोर्ट, देन द सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, ये आपको समझ गया। उसकी तरह से जो फिफ्थ वाला आंसर है, फिफ्थ वाले का जो आंसर आएगा, पहला तो मार्केट प्लानिंग करना होता है, देन ग्रेडिंग, देन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो B, C एंड D वो आंसर डिस्कस किए। अभी हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और उसके अंदर हमें क्या कहा था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। तो टर्म्स के बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे आपको टोटल 6 टर्म दिए गए हैं और 6 के 6 टर्म यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किए गए हैं। फर्स्ट टर्म इज ऑर्गेनाइजिंग, सेकेंड विल बी इंश्योरेंस, थर्ड इज ई बिजनेस, फोर्थ इज प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, फिफ्थ वन इज द लोक अदालत, एंड द सिक्स्थ वन इज द आउटसोर्सिंग, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको एक दो नहीं, यहाँ पे आपको एनी फोर बोला है, लेकिन यहाँ पे अगर बहुत से बच्चे क्या होता है कि फर्स्ट के फोर लिखते हैं और बहुत से बच्चे बीच के चार कौन से भी जो उनको आते हैं वो लिखते हैं, तो इसके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों के माइंड में। इसके लिए यहाँ पे हमने पूरे छः के छः जो आंसर है वो यहाँ पे आपको दिए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर टू, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें दिया है स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे आपको वन टू थ्री तीन में से एनी टू आपको करना था, और ये जो सिचुएशन दिए गए हैं इसको अपने खुद के ओपिनियन में यानी खुद के ओन वर्ड्स में लिखना था। तो इसके लिए हमने क्या किया है, आपको आंसर नहीं दिया है, क्योंकि ये जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका खुद का एक माइंडसेट होता है और खुद से वो अपने जो आंसर है उसको प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हम लोग अपना आंसर देते हैं तो वो अगर उससे मैच नहीं हुआ तो जो स्टूडेंट है वो क्या हो जाएंगे, टेंशन उनको आएगा, फिर वो सोचेंगे कि हमारा आंसर गलत है या सही है। लेकिन आपको जो ओपिनियन होता है, खुद का ओपिनियन, उसके अंदर आपका सपोज 95% जो आंसर होता है वो करेक्ट होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने थिंकिंग से वो आंसर लिख रहे हो, ठीक है। तो जो टीचर होगा, जो चेक करने वाला चेकर होगा, वो भी अपने थिंकिंग से नहीं, आपने किस थिंकिंग से लिखा है उसके ऊपर आपको वो मार्क्स देगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन फोर है डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी थ्री, तो यहाँ पे भी आपको टोटल कितने क्वेश्चन दिए हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे चार क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो एनी थ्री बोला है, लेकिन यहाँ पे हम आपको चारों के जो डिस्टिंग्विश है वो चारों के यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो पहला डिस्टिंग्विश यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का, ठीक है। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में जैसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, मीनिंग, उसका मीनिंग क्या होता है दोनों का, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एरिया फंक्शन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, उसके बेस पे यहाँ पे आपको दोनों का ये किया गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको एक बार चेक करोगे, आपने क्या लिखा है एक बार पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ मेरा आंसर किस तरह से था और यहाँ पे आंसर किस तरह से दिया गया है, ठीक है। और आगे यहाँ पे आप दो और ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, रिसोर्सेस एंड द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आपको छः टर्म में इसको आंसर को लिखना था, अगर आपने चार और पाँच टर्म में भी लिखा तो आपको जो कोई आंसर मार्क्स है वो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, तीन मार्क्स में, अगर आपने चार या पांच पॉइंट लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेकंड था, लाइफ इंश्योरेंस एंड द फायर इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फायर इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों के बारे में सेम वैसे ही आपको डिस्टिंग्विश करना है, पहले डेफिनेशन, इंश्योरेंस होल्डर, देन उसके बाद ड्यूरेशन क्या था, कंपेंशन क्या है, पॉलिसीज क्या है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको रीड करना है, और अगर आप रीड करोगे तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ मैंने आंसर जो लिखा था वो प्रॉपर था या नहीं था, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसमें आपको पूरा एक जो जितने यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे हैं सबके आंसर दिए गए हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो थर्ड यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन, ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको जो डिफरेंट डिस्टिंग्विश किया था वो पॉइंट के बेसिस पे किया था। तो सबसे पहला पॉइंट था मीनिंग उसका, ठीक है, दोनों का मीनिंग यहाँ पे लिखा है, देन उसके बाद प्रेसिडेंट, देन उसके बाद मेंबर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर कौन से मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट कौन होता है, नेशनल कमीशन के अंदर क्या क्या होता है, वो दोनों को यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया गया है, ठीक है। और आगे के जो पॉइंट है वो है मेंबरशिप, टेन्योर, एरिया कवर, मेंटरी ज्यूडिशिकेशन, अपील, नेचर ऑफ कंप्लेंट, ठीक है। तो इन छः सात आठ पॉइंट के बेस पे ही क्या करना है, आपको इसको डिस्टिंग्विश किया गया है। तो अगर आपने छः सात पॉइंट में से अगर आपने छः पॉइंट भी लिखे हैं तो भी आपको पूरे तीन मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ है वो है सफरिंग एंड डायरेक्टिंग, ठीक है, सॉरी सफरिंग नहीं, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको भी कुछ अलग अलग टर्म्स के ऊपर डिस्टिंग्विश किया गया है, जैसे सबसे पहले आपको मीनिंग लिख के दिया गया है, फिर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑर्डर किस तरह से होता है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से अगर अपने जितने आंसर है अगर उसको आप बायफर्गेट करके उसको डिस्टिंग्विश करके लिखते हो तो आपका एक मार्क्स भी कोई काट नहीं सकता, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया है आंसर इन ब्रीफ, ठीक है। तो आंसर इन ब्रीफ में यहाँ पे टोटल थ्री क्वेश्चन दिए गए हैं और हमें क्या बोला है, सिर्फ दो क्वेश्चन को सॉल्व करने बोला है,
लेकिन हम क्या करेंगे, आपको तीनों क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर देने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द 4 P's ऑफ द प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको पूरा 4 S P का जो मार्केटिंग है वो किस तरह से होता है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको हमने यहाँ पे बताया है, उसके जो अलग अलग टाइप्स है वो आपको बताया है। तो ये जो पहला पेज है यहाँ पे आपको पूरा इंट्रोडक्शन है, तो आप क्या करोगे, पहले इसको रीड करोगे, उसके बाद क्या करोगे, आप मेमोराइज करोगे कि मैंने आंसर में इससे रिलेटेड कोई लाइन लिखा है, इससे रिलेटेड कुछ मैंने कंटेंट डाले हैं अपने आंसर के अंदर। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने इससे रिलेटेड कुछ लिखा है तो आपको पूरे अच्छे से मार्क्स दिए जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह से वर्क में लाया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी अगर मार्केटिंग करते हैं तो किस लिए करते हैं, प्रोडक्ट बेस पे हम लोग मार्केटिंग करेंगे। अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो क्या करेंगे, जो मार्केटिंग है, जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से बिकेगा। देन द प्राइस विल बी मैटर, अगर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, अगर प्राइस उसका हाई है तो कोई उसको नहीं खरीदेगा, कोई उसको इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट भी अच्छा है, अगर प्राइस भी कम है तो क्या करेंगे, आदमी उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा, ठीक है। जिस तरह से एक ब्रांडिंग होती है आपने सुना होगा, जैसे अगर हम लोग एप्पल या आईफोन की बात कर लें तो उसका प्राइस भी हाई है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है, ठीक है। आप क्या करोगे, किसी भी अगर अदर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस होते हैं, अगर आप आईफोन के डिवाइसेस मिलाओगे, एप्पल के डिवाइसेस मिलाओगे और सेम डिवाइसेस अगर दूसरे किसी कंपनी है उसके मिलाओगे तो आपको दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो आपको समझेगा, ठीक है। तो इसके बेस पे आपको बाइफर्केट करना था। प्लेस, प्रमोशन, इसके बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, और जो मार्केटिंग है उसको आप बता सकते हो, ठीक है। प्लेस भी मैटर करता है, क्योंकि अगर अच्छे प्लेस पे अगर आप क्या करते हो, अपना यूनिट लगाते हो, अपनी फैक्ट्री डालते हो, मार्केट के बारे में अगर आप अच्छे प्लेस पे जाते हो तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे अच्छे प्लेस पे क्या होंगे, थोड़े रिच पीपल मिलेंगे आपको, थोड़े मार्केटिंग के बारे में समझने वाले लोग मिलेंगे। प्रमोशन अच्छा करो, क्योंकि अगर आप प्रमोशन अच्छे से करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो बिकने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको आंसर लिखना था। देन सेकंड है, द बिजनेस हैज फॉलो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द एम्प्लॉय। तो बिजनेस के अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉय के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करता है तो सबसे पहले उसके लिए क्या मायने रखता है कि उसकी जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, उसके बाद फेयर रिम्यूनरेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर, गुड वर्किंग कंडीशन, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पे हमने 6 पॉइंट आपको दिए हैं, तो ये 6 पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको एक बार मेमोराइज करना है कि हाँ, कि मेरा जो आंसर है इससे रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, मेरा आंसर मैंने पूरे 4 मार्क्स के लिए लिखे हैं या फिर मुझे 3.5 मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इससे आपको पूरा एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थर्ड वाला है, स्टेट एनी 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तो यहाँ पे हर किसी के कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है। वो आप देखते हैं, अगर कोई भी अगर कंपनी होती है तो उसके लिए थोड़े से ये किए जाते हैं, उनको राइट्स दिए जाते हैं। अगर आप हायर पोस्ट पे हो तो आपको राइट्स मिलते हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट फील्ड में हो तो आपको राइट्स मिलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे कंज्यूमर के लिए क्या राइट्स होता है, यानी कंज्यूमर का मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट को बाय करते हैं उन्हें हम कंज्यूमर बोलते हैं। यानी जितने भी प्रोडक्ट हमारे एरिया में बनते हैं वो सब जो कंज्यूम करता है उसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स को मेंशन किया गया है, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखने हैं। तो इसके लिए मैंने सिर्फ आपको 4 पॉइंट्स के लिए मेंशन किया गया है, ठीक है। पहला तो है राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज एंड राइट टू बी हर्ड। तो ये 4 चीज़ें क्या है, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंज्यूमर के लिए। क्योंकि अगर आप सेफ्टी को देख के अगर अपने राइट्स को चुनोगे, साथ में इंफॉर्मेशन को देखोगे, क्या चूज़ करना है क्या चूज़ नहीं करना है उसके लिए आप देखोगे, और राइट टू बी हर्ड, अगर आप कुछ सुनते हो तो आप अच्छा सुनते हो या अच्छा नहीं सुनते हो, तो इसके ऊपर भी आपको मैटर करता है, ठीक है। देन यहाँ पे जो क्वेश्चन 6 था, जिसके अंदर हमें बोला था जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसके अंदर भी हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था और हमें 4 दिए थे। 4 में से 2 ऑप्शन को हमें क्या करना था, लिखना था, और 4 में से 2 लिखने बोला। तो ये इजी है,
क्योंकि अगर आपको चार में से दो लिखने बोला तो आपको दो आंसर तो आते ही होंगे। तो लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, चारों का आंसर आपको देंगे, उससे रिगार्डिंग आप क्या करोगे, अपने जो आंसर है उसको आप मैच करोगे। ठीक है, अगर आपका आंसर इससे मैच होता है तो आप क्या समझोगे कि हाँ कि अगर जो भी हमने पेपर में लिखा है वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, तो क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होता है एज अ नेचर। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया गया है जिसके अंदर आपको बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल। तो यहाँ पे आपको अलग अलग एक दो तीन चार, तो यहाँ पे चार पॉइंट्स में इसको पूरा डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर आप ऐसे ही अपने आंसर को अगर आप अलग अलग पॉइंट्स में अगर डिस्क्राइब करते हो तो आपको जो आंसर है वो प्रॉपर आपको चार मार्क्स इसके अंदर मिलेंगे। तो हर एक पॉइंट्स के लिए यहाँ पे आपको कितने मार्क्स है, एक मार्क्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपको चार पॉइंट्स लिखने हैं, अगर आपने तीन पॉइंट्स लिखे हैं तो आपको तीन मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका तीन एंड हाफ लिखा है, आपका फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट नहीं है तो आपको थ्री एंड हाफ मिलेगा, यानी अगर वो कैलकुलेट होता है और उसको अगर आपको मार्कशीट में देना है तो वो टोटल चार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आंसर को अपने लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेकेंड वाला है, द फॉलोइंग आर द वेरियस वे एंड द मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉलो इन इंडिया। तो यहाँ पे सबसे बोला है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है उसके लिए कौन कौन से वेरियस वे हैं, कौन कौन से रास्ते हैं। तो सबसे पहला है लोक अदालत, ठीक है, देन द पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट तो हो गए। ठीक है, तो इसके मदद से क्या कर सकते हो, जितने भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन होते हैं, कंज्यूमर के हक के लिए बातें होती है, आप यहाँ पे इन इन क्या बोलते हैं, ये जो पर्टिकुलर प्लेसेस होते हैं उनकी जगह जाके आप क्या कर सकते हो, अपने लिए आवाज उठा सकते हो। जैसे लोक अदालत हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट लेटिगेशन हो गया, देन उसके बाद रीड्रेसलर फोरम एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, अवेयरनेस प्रोग्राम्स और लेजिस्लेटिव मेजर। तो ये सब जो कुछ पॉइंटेड है, तो उस हिसाब से अगर अपने पॉइंट्स लिखते हो, यहाँ पे मैंने चार पांच पॉइंट्स दिए हैं, तो अगर आप चार पॉइंट्स भी लिखते हो तो आपको पूरे चार मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। देन यहाँ पे जो थर्ड वाला क्वेश्चन था कि प्रिंसिपल ऑफ द सब ऑर्गेनाइजेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ पे जो आपको आंसर है उसका जो आंसर आपको लिखना था क्वेश्चन का, इस उसका कितने मार्क्स का पे ये है, चार मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको चार मार्क्स तो आपको कंफर्म लिखने हैं। अगर आप चार मार्क्स से कम लिखते हो क्या होगा कि आपको जो मार्क्स है वो कम मिलेंगे, लेकिन अगर आपके चारों पॉइंट्स अगर करेक्ट हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई भी गलतियां नहीं है, तो आपको पूरे चार के चार मार्क्स इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको रीड करोगे और उसके बाद अपने पेपर के अंदर क्या लिखा है उसको मेमोराइज करोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे जो मेरा अगर क्वेश्चन पेपर है, सपोज मेरा क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का है, तो अगर मैं सभी क्वेश्चन आंसर को अगर मैच करता हूँ, सभी क्वेश्चन आंसर को अगर मैं याद करता हूँ, तो मुझे कितने मार्क्स मिल सकते हैं आउट ऑफ 80। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3। देन ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों ने अटेंड किया होगा क्योंकि मार्केटिंग इज द सिग्निफिकेंट टू द कंज्यूमर। तो इसका जो आंसर है ये सिर्फ पॉइंट्स में आपको लिखना था, इसको डिस्क्राइब नहीं करना था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो इसका आंसर है वो पांच पॉइंट्स में आपको सिंपली पांच लाइन में दे दिया गया है। आप अगर इतना भी लिखते हैं तो आपको पूरे चार के चार मार्क्स इसके अंदर मिलेंगे, आपको पूरा पेज भर के इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं होती है। यानी हम लोग कहते हैं ना, किसी किसी कोई कोई जो क्वेश्चन होता है वो स्मार्टली आप सॉल्व करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर आप लेंदी एकदम कुछ भी कचरा भर दोगे तो इससे आपको मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर पॉइंट वाइज अगर लिखते हो आंसर तो आपको पूरे मार्क्स इसके अंदर मिले होंगे। ठीक है, देन यहाँ पे क्वेश्चन 7, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसके अंदर तीन क्वेश्चन दिए हैं और बोला है एनी टू, यानी तीन में से आपको कोई भी दो क्वेश्चन क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, और जिसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 5 मार्क्स का हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 5 पॉइंट। ठीक है, तो वो 5 पॉइंट से अगर आप ज्यादा लिखते हो तो ही आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, और वो पांचों पॉइंट्स क्या होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए।
आप कुछ भी उसके अंदर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स आपको यहाँ पे, पहला जो क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवेन बाय द हेनरी फॉयल, ठीक है। तो हेनरी फॉयल ने 5 ऐसे कौन से प्रिंसिपल दिए थे, तो ये इसके लिए आपको जो हेनरी फॉयल के बारे में आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको 5 अगर पॉइंट्स मिलते हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हेनरी फॉयल ने 5 से ज़्यादा प्रिंसिपल दिए थे, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ 5 प्रिंसिपल के बारे में लिखना है। तो ये आप इजीली लिख सकते हो, अगर आपने 10 प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा है तो उसके अंदर से अगर आप 5 प्रिंसिपल आपको लिखने के लिए बोला जाता है तो आपको 5 प्रिंसिपल तो आसानी से आप लिख सकते हो। तो अगर 5 प्रिंसिपल जिन बच्चों ने भी लिखा होगा उनको पूरे 5 5 मार्क्स इसके अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पे जितने भी लेंदी क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको कभी भी स्किप नहीं करना है। अगर आप कुछ भी, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, अगर आप लिख देते हो, ये इस पेपर के लिए नहीं बल्कि जितने भी आने वाले पेपर है, तो आपको मार्क्स मिलने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। खाली पेपर छोड़ने से अच्छा है कि आपको जो भी आ रहा है उससे रिलेटेड आप लिख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेकंड है, एक्सप्लेन एनी 5 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग टूवर्ड द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे टोटल आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो आपको ये समझ गया होगा कि मेरा आंसर कितने पॉइंट्स का होगा, 5 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे भी जो आपको आंसर दिया गया है वो 5 पॉइंट्स में दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो आंसर लिखना है वो 5 पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ वेयर हाउसेस, यानी ये थर्ड वाला क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया है सेकंड में, इसके लिए सॉरी, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको करेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ वेयर हाउसेस पूछा है, ठीक है। तो कितने टाइप के वेयर हाउसेस होते हैं, प्राइवेट वेयर हाउसेस, पब्लिक वेयर हाउसेस, बॉन्डेड वेयर हाउसेस, देन ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस, गवर्नमेंट वेयर हाउसेस एंड द कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस। तो यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट दिए गए हैं। तो आपको ले आपको यहाँ पे अगर 5 मार्क्स पूरे चाहिए तो आपको पूरे 5 जो वेयर हाउसेस हैं उनके जो टाइप्स हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके साथ आपको उसका वेयर हाउसेस का डेफिनेशन, उसके साथ आपको ये एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन 8 है, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और हमें 1 क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफाइन बैंक्स एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बैंक के बारे में पूछा है, तो आप कोटक बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो आपको सिंपली बैंक का डेफिनेशन लिखना है। तो सबसे पहले अगर आपको पूछा है डिफाइन बैंक, तो आपको सबसे पहले बैंक को डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने भी अगर बैंक को डिफाइन किया है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे सिर्फ उस डिफाइन के लिए आपको पूरे 1 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद उसके टाइप से, तो अगर बचे कितने आपके 3 मार्क्स बचे, तो 3 मार्क्स के लिए आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डेफिनेशन लिख दिया 1 मार्क्स का। देन उसके बाद जो टाइप से बैंक के, वो है सेंट्रल बैंक, यानी सबसे बड़ा बैंक होता है, ठीक है। और जहाँ पे क्या होती है, जो करेंसी होती है वो प्रिंट होती है, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा बैंक होता है, जो जितने भी बैंक होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल बैंक, देन डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। तो यहाँ पे टोटल हमने कितने पॉइंट दिए हैं, 4, और आपको लिखने कितने हैं, 3। तो जिन बच्चों ने भी 3 पॉइंट अच्छे से लिखे होंगे विथ जो डेफिनेशन था उसके साथ, तो उनको पूरे 4 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पे और भी पॉइंट्स लिखे हैं हमने, सिर्फ 4 नहीं, यहाँ पे टोटल 8 पॉइंट्स है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपको 8 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 8 पॉइंट्स आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, तो आप 8 पॉइंट्स में से अगर आप 4 पॉइंट भी लिखते हो, 4 5 पॉइंट भी लिख देते हो और उसके साथ अगर डेफिनेशन लिख देते हो, तो आपको पूरे मार्क्स इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल। तो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग के बारे में आपको डिटेल में आंसर देना था, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, ठीक है, बाइंग एंड असेंबलिंग क्या होता है, ये दोनों के बारे में आपको बताना था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट की प्लानिंग किस तरह से होती है, ठीक है, मार्केट की प्लानिंग हो गई। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात आती है, ठीक है, कि आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लाने वाले हो उसको आप किस तरह से डेवलप करोगे, ठीक है।
उसके लिए कौन से रॉ मटेरियल लगने वाले हैं उसके बारे में आप सोचोगे। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्डाइज एंड ग्रेडिंग, उसके बाद सबसे मेन होता है ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन, यानी जो आपका प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड है या नहीं। क्योंकि हर अगर आप किसी भी मार्केट में अगर अपना प्रोडक्ट बेचते हो तो उस मार्केट में आपका प्रोडक्ट खरीदने वाला ऐसा आपको समझना है कि कोई नहीं है, क्योंकि आपके मार्केट में आपके जैसे ही प्रोडक्ट बहुत सारे घूम रहे हैं। ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या खासियत है अगर जब तक आप उसको बताओगे नहीं तब तक कोई भी जितने भी कंज्यूमर है वो आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत मेन मेन चीज़ें हैं वो आपको मेंशन करनी है। ठीक है, और यहाँ पे पैकेजिंग लेबलिंग ये भी एक बहुत अच्छा है, ब्रांडिंग। ठीक है, यानी जो भी आपकी कंपनी है उसके नाम से आप ब्रांडिंग एक चालू करो। ठीक है, धीरे धीरे ब्रांडिंग को आप क्या करोगे, बड़ा करोगे। तो इस तरह से ये क्या है, कुछ फंक्शन है मार्केटिंग के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जो पूरा पेपर था यहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस किया है, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया है हमने, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया है। तो आपको इस वीडियो में जो भी है क्वेश्चन आंसर उसको आपको प्रॉपर ध्यान से देखना है, और साथ में जितने भी आपने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं एग्जाम के अंदर उसको आपको मेमोराइज करना है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो आंसर है वो राइट था या रॉन्ग था। सबसे पहले यहाँ पे जो हमने ये देखा था, आपको मैं एक बार लिए चलता हूँ स्लाइड के पहले पेज पे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव देखा था उनको आपको पहले अच्छे से मैच करना है। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के यहाँ पे मार्क्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे हमने ये पूरा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आप सभी का प्लीज़ हमारा निवेदन है, प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी अपने जो सॉल्यूशन है उसको देख सकें। साथ में आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।